आज हम लोग कौन से ईयर का डिस्कस करेंगे, 2017 का। सर 2017 में भी तीन क्वेश्चन आया था, एक 10 मार्क्स में आया था और में क्या था, दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था सर, पहला क्वेश्चन 2017 का ये क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक से देखो सर। 10 मार्क्स में हमेशा दो घर देता है, एज यूजुअल इसमें भी दो घर दिया। क्या बोला है, श्री गौतम पाल, क्या नाम है बताओ, श्री गौतम पाल, श्री गौतम पाल इज द ओनर ऑफ द टू हाउस, दो घर का मालिक है। और वो कहाँ है दोनों घर से, कोलकाता में, कहाँ है कोलकाता, कोलकाता का मतलब है कि मेट्रो सिटी है ना, कहाँ बताओ, मेट्रो सिटी। गुड इवनिंग राहुल, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टू हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 2018 to 2019, सर 2017 में आया था, उसका प्रीवियस ईयर का था 2018 to 2019। हम लोग बार बता रहे ईयर्स का क्वेश्चन का ये डेट नहीं चेंज कर रहे, बट हम लोग का जब आएगा सर, हम लोग का प्रीवियस ईयर का होगा 21 से 22 होगा और असेसमेंट का होगा 2020 to 2023 होगा। सर इसमें देखिए दो घर है, हाउस वन जो बोल दिया क्या लेट आउट किए, मतलब घर भाड़े में लगा दिए, और हाउस टू जो हमारा क्या सेल्फ रेसिडेंस है, मैंने खुद रह रहे हैं। तो एज यूजुअल जैसे 2015-16 में वैसे ही है, दो घर दिए, एक घर हम भाड़े में लगाया, एक घर का हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या होता है, कोई सम्स टेंशन नहीं है, केवल इसका इंटरेस्ट लेस होता है। तो सर इसका इंटरेस्ट देखिए यहाँ दे चुका है इंटरेस्ट और लोन, और क्या बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लिया सर, कितना लिया 75,000। तो सर कुछ नहीं है, ये 75,000 का होगा, बेनिफिट देगा सरकार किसके साथ, अगर आपका कोई घर लेट आउट है तो उसके साथ माइनस करने का मौका मिलेगा। तो सर हम लोग किसका करेंगे, अब लेट आउट का पूरा काम करेंगे, तो लेट आउट का पूरा इनकम निकालेंगे। तो सबसे पहले उसका जीएफबी माने गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोगों को देखो यहाँ म्यूनसिपल वैल्यू दिया है और इस बार बता दिए क्या है, ग्रॉस है। तो सर अगर नहीं बताता तो हम लोग एज्यूम करते हुए नेट म्यूनसिपल वैल्यू है, और नेट म्यूनसिपल वैल्यू तो उसको हम लोग को जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और सर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि इस बार बता दिए दोनों घर कहाँ है, कोलकाता में, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। बट इस सवाल में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में दे दिया ग्रॉस है, सर जीएमबी है। तो डायरेक्ट हम सम्स कहाँ से चालू करेंगे, कैलकुलेशन में कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से। तो सर करेंगे तो जीएमबी है, ये फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, इन तीनों के लेके आपस में कंपेयर करेंगे तो सर कहा आ जाएगा आरईआर। और सर यहाँ देखिए एनुअल रेंट दिया हुआ है, अब इस आरईआर के साथ एनुअल रेंट का कंपेयर करें तो कहा जाएगा गैप, और गैप निकालते समय वैकेंसी पीरियड को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखो वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, कितना महीना का दिया बताओ सर, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 months, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ कितना 2 months। तो सर 2 months का हम लोग भाड़ा निकालेंगे वैकेंसी पीरियड का। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है सर, म्यूनसिपल टैक्स कितना दिया 27,000, कितना दिया बताओ 27,000। सर म्यूनसिपल टैक्स कहाँ काम आता है, जब हम लोग कहा करते हैं लेट आउट का इनकम निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करते म्यूनसिपल टैक्स तो आता का नेट एनुअल वैल्यू नैप। तो सर म्यूनसिपल टैक्स 27,000 लेस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हिंस दे दिया कि 27,000 में से आउट ऑफ 20 मतलब 27,000 में से 8,100 पेड बाई टेनेंट, कौन पे कर रहा बताओ, टेनेंट पे कर रहा। तो सर टेनेंट पे कर रहा तो इसका टेनेंट का खर्चा सरकार अलाउ नहीं करता, तो क्या करेंगे 27,000 से 8,100 माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ एंट्री करेंगे। फिर इस घर को बनाने के लिए भी लोन यहाँ कितना है 45,000। सर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 में, एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नैप का 30% होता है, और एक होता का इंटरेस्ट लोन 45,000 डायरेक्ट दे दिया, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया पूरा क्वेश्चन, एक बार देख लो। तो आपसे पूछा बताओ उस घर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, इसका श्री गौतम पाल का। समझ में आया सबको, एक बार रीड कर लो और जल्दी बताओ आप लोग, रीड करके खाली एक बात बताओ सर, दो महीने का वैकेंसी पीरियड रेंट का अमाउंट कितना आएगा, देखते हैं जल्दी बताइए, दो महीने का वैकेंसी पीरियड रेंट का अमाउंट कितना आएगा जल्दी बताइए, ये 2 months का वैकेंसी पीरियड रेंट कितना आएगा जल्दी आप लोग बताइए। देखिए कितना आ रहा आप लोग को बताइए जल्दी,
राहुल वर्मा बोल रहा सर आएगा 40,000, बाकी लोग देखो कितना आ रहा है। राहुल साहू भी बोला 40,000। शंकर भी बोला 40,000। बिल्कुल देखते हैं क्या करना पड़ेगा बताओ। ये जो 2,40,000 है इसको आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। क्यों? सिर्फ अगेन देखो यहाँ एनुअल एंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनुअल एंड। अगर एनुअल एंड नहीं देखिए सर यहाँ रेंट रिसीव दे देता, क्या दे देता बताओ? रेंट रिसीव। तो सर रेंट रिसीव दे देता, मानते हैं सर ये जो 2,40,000 2,40,000 जो है उसमें से 2 महीना घर फाका था तो 10 महीना का भाड़ा होता है, तब सर इसको 10 से डिवाइड करते 2 से इंटू करते। बट अभी सम्स में कितना से डिवाइड करेगा? 12 से डिवाइड करेगा और 2 से इंटू का तो वैकेंसी पीरियड आ जाएगा। तो सर सिर्फ हम लोग को लेट आउट वाला काम करना है और इसका काम नहीं करना है। चले तो सर सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे लेट आउट का, फिर बनाएंगे किसका? सेल्फ ऑक्यूपाइड का। चले चलिए सर एज यूजुअल सम्स आ रहा, समझ में आ रहा आप लोग को? खाली सम्स को 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस करो, घर में एग्जाम में बन जाएगा अपने आप। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर में लिखेंगे का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका नाम उसका नाम लिखेंगे। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका? श्री गौतम, है ना, फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट ओके। अब हम लोग का 2 घर है सर, पहला घर का लेट आउट का है, तो पहले H1 बोल के लेट आउट हेडिंग दे देंगे। सर लेट आउट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखते हैं हम लोग बताओ? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर इसमें लेस करते म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इसमें ओनर वाला म्युनिसिपल टैक्स लेते, टेनेंट वाला नहीं लेते। तो क्या लिखे? लेस म्युनिसिपल टैक्स। सर इसको लेस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स लेस करें तो कहा जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू से 2 डायरेक्शन मिलता है, है ना, कौन सा सेक्शन? स्टैंडर्ड डायरेक्शन 24। तो सर बोलेंगे डायरेक्शन 24 पहला है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन 24A, और दूसरा कहाँ मिलता है? इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। ये सर किसका बन गया? ये बन चुका है लेट आउट का फॉर्मेट। फिर हम लोग क्या करेंगे? हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखेंगे सर, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। इसका सर चालू होता है नैप से, नेट एनुअल वैल्यू, इसमें लेस करेंगे सर डायरेक्शन 24, तो एक ही डायरेक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। बस इन दोनों का आएगा। तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो इंटरेस्ट होगा लेट आउट के इनकम से का माइनस कर देंगे, जो बचेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट बन चुका, किसी को प्रॉब्लम? सर अब क्या करेंगे? अब जाके हम लोग का सर वर्किंग नोट करेंगे, गैप निकाल लेंगे, और गैप आके क्या करेंगे सर? इसी गैप के सीधा सीधे पुट कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया रहता है, दिया भी है वो उसको बैठा देंगे, नैब आ जाएगा, जो नैब आएगा उसका 30% यहाँ लेके यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो उसको पुट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा लेट आउट का। सर इसका क्या? इसका कुछ नहीं, नैब तो नील होता है, और इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल दिया बैठा देगा, कहानी कंप्लीट। सारा बात कहाँ है? वर्किंग नोट में। चले चलिए, अब शायद समझ में आता होगा आप लोग को, नहीं आता हो तो रिक्वेस्ट है कि 1-2 बार बनाओ, देखो अपने समझ में आ जाएगा। आती है, सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो सर हम लोग को जीएमबी का वर्किंग नोट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली जीएमबी दे दिया है। तो सर चालू कहाँ से करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर सबसे पहले हमने हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर इसमें क्या कंसीडर करते हैं? और ये वर्किंग नोट 1 हो गया, 2 टाइप हो गया, खाली के बताओ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, पहले लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर दूसरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बाद क्या लिखते हैं? फेयर रेंट। नंबर 2 लिखते क्या? फेयर रेंट। तीसरा क्या लिखते हम लोग? स्टैंडर्ड रेंट। सर क्या करते हैं? पहला 2 में हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, और उसमें से जो मैक्सिमम आता है तीसरे के साथ क्या करते हैं? मिनिमम लेते हैं, कंपेयर करके। सर मिनिमम करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर तो करते हम लोग का इस सेंस में क्या था? तो सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, याद कोई क्वेश्चन था? इस क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 3 लाख। कितना बताओ? 3 लाख। तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख पुट करते हैं, तो आते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ 3 लाख पुट करेंगे, क्लियर हुआ? सर अब कब पुट करना है? फेयर रेंट। तो सर क्वेश्चन में जाके देखो फेयर रेंट कितना है। तो सर ये क्वेश्चन है, फेयर रेंट देखो कितना दिया हुआ है? 2,50,000। सर 2,50,000 पुट करेंगे, तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन हटाते हैं। अब आते हैं म्युनिसिपल फेयर रेंट,
250,000 सर अब कब पे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है, देखिए क्वेश्चन में सर हाँ स्टैंडर्ड रेंट है, कितना है? 3 लाख। लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन में नहीं था, रहेगा तो करेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे। सर स्टैंडर्ड रेंट कौन डिसाइड करता है? आप लोगों को बताते हैं रेंट कंट्रोल। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 3 लाख। तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ कितना पुट कर देंगे? 3 लाख। तो सर रूल क्या, पहला दोनों मैक्सिमम, इन दोनों मैक्सिमम कौन? 3 लाख। फिर इन दोनों मिनिमम कौन? तो 3 लाख ही है, इसलिए सर हमारा रिजर्व स्पेक्ट्रम रेंट क्या आएगा? 3 लाख। सर इन पहले दोनों में क्या लेंगे? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 लाख है, और लेके का करें इससे कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन मिनिमम है। तो 3 लाख 3 लाख दोनों तो सेम ही है सर, इसलिए रिजर्व स्पेक्ट्रम रेंट कितना होगा? 3 लाख। किसी को प्रॉब्लम समझ में आया? चलिए, तो सर कहाँ निकल गया? कंप्यूटेशन ऑफ रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल चुका। अब हम लोग कहाँ निकालते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब गैप। तो हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, जो बड़ा होता है। सर यहाँ लिखिए मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, किसका मैक्सिमम? सबसे पहले लिखते हैं आर ई आर, रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, पहले लिख लेंगे। सर इसमें क्या करेंगे? नंबर टू क्या डालते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरिजर्वेबल रेंट। तो सर इसमें अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो डायरेक्टली रेंट रिसीव लिखो या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखो। तो सर यहाँ रेंट रिसीवेबल लिखे, या आप पूरा लिख सकते हो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। बट सर वैकेंसी पीरियड है, तो हम लोग इसमें नीचे में क्या लिखेंगे? वैकेंसी पीरियड रेंट। सर इसे कंपेयर करके जो आएगा उसको क्या बनेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट्स कॉल्ड गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस फॉर्मेट बन चुका, अब वैल्यू पुट करते हैं, ये पूरा फॉर्मेट है। सर रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? सर रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ 3 लाख निकाल चुके, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 लाख, समझ में आया? उसके बाद सर क्या करेंगे? रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल माने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये हमेशा 12 महीना का होता है। तो सर क्वेश्चन में जाके देखते हैं, देखो यहाँ रेंट रिसीवेबल कितना दिया, एनुअल रेंट कितना दिया, 2,40,000। तो कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी 12 महीने का है, अगर 12 महीने का नहीं होगा तो उसको 12 महीने में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, 2,40,000 पूरा 12 मंथ्स का दिया है। तो आएंगे यहाँ एक्चुअल रिसीवेबल कितना डाल देंगे 12 महीने का? 2,40,000। सर अब हम लोग क्या निकालेंगे? वैकेंसी पीरियड रेंट। तो आप लोग अभी वैकेंसी पीरियड रेंट निकाले थे कितना महीने का? 2 मंथ्स का, जो आप लोग बोले थे 40,000। कैसे निकाले थे? 2,40,000 को 12 से डिवाइड किए थे और 2 से इंटू किए थे, तो वही करते हैं। तो सर वैकेंसी पीरियड रेंट कैसे निकलेगा? 2,40,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो सर कंपेयर करेंगे ऊपर वाला दोनों में कौन बड़ा है, तो सर बड़ा कौन हो गया? ऊपर वाला आर ई आर। तो सर आर ई आर बड़ा होता है तो वैकेंसी पीरियड रेंट लेस नहीं होता है, तो सर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा? 3 लाख हो जाएगा। सर वैकेंसी पीरियड रेंट कब लेस करते हैं? जब हमारा सेकेंड वाला माने ए आर, माने ए आर माइनस यू आर जो होता है वो बड़ा होता है। तो सर बड़ा तो 3 लाख हो गया, तो यहाँ वैकेंसी पीरियड का कोई काम नहीं है। तो सर क्या निकला है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर इसको जाकर पुट कर देंगे हम, बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर क्लियर है तो जल्दी यस लिखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, देख लीजिए एक बार। चलिए राहुल बोला यस सर क्लियर है, राहुल साहु भी बोला यस सर, शंकर भी बोला यस सर, क्लियर हुआ सर। अब हम लोग फॉर्मेट बना के रखे ही है, तो सर गैप जो निकला कितना निकला गैप? सर गैप निकला 3 लाख, तो आराम से आके गैप में पुट कर देंगे हम लोग। ओके पंकज, सुबह संध्या, चलिए आती है। अब सर ये क्या हो गया? वर्किंग नोट हो चुका है, अब आराम से हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल चुका है, जाके हम लोग पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। सर फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुके थे हम लोग, अब इसमें क्या करना? पुट करना है। तो हमारा सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकाल चुके? 3 लाख, तो आराम से यहाँ 3 लाख पुट करेंगे। सर इसमें लेस क्या करेंगे? म्यूनसिपल टैक्स। तो सर म्यूनसिपल टैक्स के लिए कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन में चेक करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन में, देखो सर ये क्वेश्चन है, देखिए म्यूनसिपल टैक्स 27,000 दिया है, बट 27,000 लेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बोल दिया है कि 8,100, 8,100 कौन पे किया? पेड बाय टेनेंट। तो हम लोग जो म्यूनसिपल टैक्स लेस करते हैं वो कौन होता है? म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर पे करता है। तो सर 27,000 में अगर 8,100 बोला टेनेंट पे किया, तो रिमेनिंग फिगर कौन पे किया होगा? ओनर। तो सर हम लोग कौन वाला माइनस करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो सर आएंगे म्यूनसिपल टैक्स में दिखा देंगे 27,000 - 8,100, 27,000 - 8,100 क्यों? क्योंकि 8,100 कौन पे किया? सर पे किया टेनेंट, तो इसमें से माइनस करके जो आगे यहाँ बैठा देंगे। सर इसका मतलब ओनर कितना पे किया? 27,000 से 8,100 को माइनस कर दिए, तो आइए 18,900।
इसका मतलब ओनर 80,900 पे किया, अब इसको माइनस करेंगे सर 3,00,000 में से 80,900 को माइनस करके जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। सर वो कितना है 2,81,100 जो ऑलरेडी है नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ है। सर अब यहां से कहा था डिडक्शन लेस होता दो, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स है सर, जो नैब आता है उसका 30%। सर 2,81,100 का 30% निकालेंगे तो ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके यहां ब्रैकेट में दिखा देंगे कितना 2,81,100 का 30% सर यहां डाल देंगे कितना है सर 84,330। अब सर इसमें क्या ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर ये कहां मिलेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन, तो सर क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वन सर कितना दिया हुआ है 45,000 है ना, 45,000 दिया हुआ है तो सर 45,000 का होगा लेस होगा, तो सर आते हैं यहाँ आप लोग देख लो यहाँ इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल कितना दे दिया 45,000 सर इन जोड़ के इसको माइनस कर देंगे कितना है बताओ 1,51,770। तो सर 1,51,770 क्या है पहला घर से इनकम आ गया किसका गौतम का, श्री गौतम का। अब हम लोग क्या करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो इंटरेस्ट डालेंगे इससे एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आते हैं नेट एनुअल वैल्यू, सर नेट एनुअल वैल्यू हम सर नील लिखते हैं इसमें क्या लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल। चलते क्वेश्चन में देखिए हाउस वन का इंटरेस्ट कितना था 45,000 और हाउस टू का कितना है 75,000 और 75,000 ही मिलेगा हम लोगों को सेल्फ ऑक्यूपाइड में बताया था या तो 2,00,000 या तो 30,000। सर 2,00,000 कब मिलेगा घर बनाने के लिए लोन लिया हो, यहाँ तो बोल ही दिया है सर घर बनाने के लिए लिए, अगर यहाँ लिख देता है रिपेयर के लिए तो अभी 75,000 नहीं मिलता कितना मिलता 30,000 ठीक है। तो सर यहाँ 75,000 ही है तो आराम से 75,000 डालेंगे ठीक है इसमें से थैंक यू। चलिए आते हैं 75,000 तो सर यहाँ का कितना डाल देंगे 75,000, इस 75,000 को क्या करेंगे ऑटो अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि बेनिफिट मिलता है, तो सर 1,51,770 से 75,000 को माइनस कर देंगे सर कितना आएगा आएगा 76,770 जो घर का काम आने जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर 217 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट देख लो, कोई डाउट है तो पूछो अन्यथा तो जल्दी यस लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए नहीं तो जल्दी यस लिखिए। यहां तक देखिए कोई डाउट, चलिए कंप्लीट। तो सर 2017 में 3 क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, ये क्वेश्चन था जो हम लोग कर चुके हैं ना सर, ये पक्का तुम देखो 15-16 किया तो अपने आप बन जाएगा। अब आते सर 17 में और में जो क्वेश्चन आया था जो 10 में दो मतलब 10 का और में रहता है, जब आप लोग पेपर देखोगे आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो सर क्वेश्चन 5 में 10 नंबर में ये क्वेश्चन आया था और में कहा था ए में एक सम्स बी में एक सम्स और सी में थोड़ा थ्योरी दिया था, तो चलते उस सम्स को करते हैं। सर 2017 में और जो सम्स आया था ये सम्स था क्या, ये छोटा सा सम्स आया था क्या था सर देखो सर बोला है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस, एक घर को हम लोग आके भाड़े में लगाए लेट आउट किए जिसका नेट एनुअल वैल्यू 3,00,000 दे दिया, इसका मतलब हम लोग को डायरेक्टली लेट आउट का नैप निकाल के दे चुका है। जनरली हम लोग क्या करते हैं लेट आउट में पहले गैप लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या करते हैं हम लोग लेस करते हैं क्या म्यूनसिपल टैक्स जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग नैप। तो सर नैप का मतलब नेट एनुअल वैल्यू, ऑलरेडी इसका नेट एनुअल वैल्यू दे दिया 3,00,000। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, उस घर को बनाने के लिए लोन लिया गया है जिसका इंटरेस्ट होता है कितना ड्यूरिंग द पीरियड 2,50,000, कितना लोन है बताओ 2,50,000 ठीक है। तो जल्दी बताइए कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, जल्दी बताइए आप लोग बताइए इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल कितना मिलेगा, जल्दी बताइए इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल लोन कितना मिलेगा 2,50,000 दिया हुआ कितना मिलेगा। चलिए राहुल वर्मा बोला 2,00,000, संकट 2,00,000 और कोई चलिए और कोई नहीं है तो
राहुल वर्मा, राहुल सौवी बोला 2 लाख। देखिए जिस जाल में हम फंसा है उस जाल में आप फंस गए हो। सर 2 लाख नहीं, 2,50,000 मिलेगा। अब बोला क्यों, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो। आप लोगों को जो 2 लाख का रूल बताया हुए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में बताया। किसमें बताया? सेल्फ ऑक्यूपाइड में। सर लेट आउट में पूरा मिलता जितना है, ये घर तो लेट आउट वाला है इसलिए तो तुमको फोकस डाल के बोले बताओ कितना। तो सर 2,50,000 मिले क्योंकि लेट आउट है। लेट आउट में कहाँ रूल लिखा है? ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिखा है कि अगर रहने के लिए घर लिए, मैंने रहने वाला घर के लिए लोन लिए है, बनाने के लिए या खरीदने के लिए, उस लोन का मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है या 30,000 है। सर लेट आउट में नहीं है, ये घर क्या है? लेट आउट वाला है। तो सर पूरा यहाँ नैप के बाद हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? डिडक्शन। तो डिडक्शन में सर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो सर नैप पर 30% तो हो ही जाएगा, और सर इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल पूरा 2,50,000 होगा। यहाँ 2 लाख मत करना तो गलत हो जाएगा, इसलिए लोग सवाल ऐसे ही देता है। सर 2 लाख किसके लिए? लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। ये तो सर लेट आउट वाला है। और ये सवाल का कि आपको कहाँ निकालने बोला? इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस का निकालने बोला। सर छोटा सवाल है इसलिए नैप दे चुका, 10 नंबर का तो गैप भी निकालना पड़ता। तो सर आराम से इतना छोड़ देंगे, नैप से सवाल करेंगे। नैप आई दो काम करेंगे जैसे करते थे। तो लेट आउट का इनकम बोला तो आपको सवाल छोटा मार्क्स का है, कम मार्क्स का है, तो आपको कहा कि नैप से दे दिया डायरेक्ट। तो सर यहाँ से सवाल आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है? राहुल तुम पहले ही बोले थे आप लोगों को फोकस रूल पर डालना है क्योंकि सम्स बदलता रहेगा, सम से आपको तो तुम फंसोगे। तो हम लोग सारा रूल आप लोगों को बता के रखे है। आपसे रिक्वेस्ट है रूल को रिवीजन करते रहो और रेगुलर सवाल बनाते रहो, नहीं तो देखोगे आया हुआ सम्स हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सर एकदम इजी सम्स है, नैप ओरली बन गया। नैप 3 लाख है, 3 लाख का 30% से स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा और इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल 2,50,000 माइनस कर दो, आंसर कंप्लीट। क्यों? क्योंकि सर कम मार्क्स का आया हुआ है। तो करते हैं, तो सर यही करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, यह नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हम यहाँ फाका लिख किए। ठीक है, डॉट डॉट छोड़ दिए। अगर क्वेश्चन में नाम रहेगा तो आप नाम डाल दोगे। सर क्या करेंगे? पार्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस। जनरली हम लोग लेट आउट का, जनरली हम लोग लेट आउट का जो चालू करते हैं कहाँ से चालू करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। तो सर यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू से चालू नहीं करेंगे, नेट से चालू करने बोला। नेट एनुअल वैल्यू तो सर हेडिंग का देंगे, नेट एनुअल वैल्यू से। सर नेट एनुअल वैल्यू भी हम लोग को निकालने नहीं, डायरेक्ट दे चुका है क्योंकि कम मार्क्स का है। कितना दिया? 3 लाख, 3 लाख पुट कर देंगे हम लोग। सर इसमें क्या होगा? 2 डिडक्शन, अब उसका तो सेम करेंगे। सर लेस करेंगे का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर इसके अंदर 2 डिडक्शन मिलता है लेट आउट में, लेट आउट में 2 डिडक्शन मिलता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड में 1 डिडक्शन मिलता है। सर लेट आउट में 2 डिडक्शन का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमेशा नैप का नेट एनुअल वैल्यू का 30%। तो सर नेट एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 3 लाख है, हाँ 3 लाख। तो सर पहला हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लेंगे 3 लाख का 30%। तो सर ब्रैकेट में लिख देंगे 3 लाख का 30%। सर 3 लाख का 30% कितना होता है? वो होता है 90,000। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो 2,50,000 यहाँ दिया ही हुआ है। तो सर यहाँ दूसरा का इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल अंडर सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल अंडर सेक्शन कितना जल्दी बताओ तो देखिए, तुम लोग याद है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल का सेक्शन कितना है? इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल का सेक्शन कितना जल्दी बताइए। चलिए राहुल वर्मा 24B, शंकर 24B, बिल्कुल। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन है 24A और इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल का है 24B। तो सर क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर कितना? 2,50,000। आप लोग जो बोले थे 2 लाख वो गलत था। क्यों? क्योंकि वो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, लेट आउट के लिए जितना भी है। तो सर 2,50,000 अभी दोनों को जोड़ेंगे, 2,50,000 प्लस 90,000 को ऐड करेंगे तो 3,40,000 होगा। सर 3,40,000 का करेंगे, यहाँ लेस कर देंगे, तो लेस कर देंगे यहाँ से। अच्छा यहाँ लेस ले चुके हैं तो ब्रैकेट मत देना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ लेस लिखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? 3 लाख से 3,40,000 को लेस कर देंगे, उल्टा हो गया और इनकम नहीं हुआ। तो सर कैरी फॉरवर्ड होता है, इसको अगले साल एडजस्टमेंट होगा। तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगा, विद इन द ब्रैकेट कितना आएगा? 40,000। इसका मतलब इस घर से इस बार इनकम नहीं हुआ तो सर क्या होगा? लॉस हुआ। तो अगले साल क्या करेगा सरकार? इसको सेटअप करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। क्लियर हुआ? सर क्वेश्चन नंबर 217 का और एक कंप्लीट एक बार देख लो, और एक क्वेश्चन करेंगे। सर 217 में भी 3 क्वेश्चन आया था।
सर पहला 10 मार्क्स का और 10 का और में दो क्वेश्चन आया था जो हम कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार कोई डाउट है। और 2 लाख वाला आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए राहुल, राहुल साहब, शंकर साहब, क्लियर, ओके। तो सर 2017 का 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और एक क्वेश्चन नेक्स्ट माने अभी डिस्कस करते हैं। चलो सर आते हैं, कौन सा 2017 का बी का क्वेश्चन आया था सर, 2017 का ये क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन 15 में 20 तरह का आया था सर, 2 घर थे उसका नैप निकालने बोला था। आप लोग फेयर क्यों तो याद होगा और प्रैक्टिस क्यों तो और अच्छी तरह याद होगा, बना के रखोगे तो। क्या बोला देखो, बोला श्री रवि रॉय, रवि रॉय है जो ओनर ऑफ द 2 हाउस है, 2 घर का कहा है वो मालिक है, बट ये नहीं बताया दोनों घर कहाँ है, बट 2 घर का मालिक है। बोला कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू, इसका कहा निकालने बोला, नेट एनुअल वैल्यू नैफ हम लोग निकाले थे कि नहीं, नैफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। सर ये 17 में आया था, इसलिए 19-20 असेसमेंट ईयर है, हम लोग का जब आया तो 22-23 बोलेगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या दिया, हाउस 1 एंड हाउस 2 दिया, ये दोनों हाउस का कहा निकालने बोला नैफ, तो दोनों हाउस का नैफ निकाले तो सबसे पहले कहा करना पड़ेगा, गैप निकालना पड़ेगा, गैप का निकलेगा आरिया निकालना पड़ेगा, आरिया कैसे निकले जीएमबी से। तो तुम देखो यह म्यूनसिपल वैल्यू बोला है, तो बताओ ये म्यूनसिपल वैल्यू बोला है तो ये क्या हमारे लिए क्या मानेंगे, एनएमबी की जीएमबी, जल्दी बताइए जो म्यूनसिपल वैल्यू दिया इसका क्या माने, एनएमबी की जीएमबी, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ बोला नहीं है, बट इसी ईयर का क्वेश्चन में 10 मार्क्स में ब्रैकेट में लिख दिया था ग्रॉस, बट इस बार नहीं बोला तो क्या मानेंगे। बिल्कुल सही राहुल सर, राहुल वर्मा शंकर, इसको एनएमबी मानेंगे। तो सर ये म्यूनसिपल वैल्यू जो है ये हमारे लिए क्या एनएमबी है, तो सर एनएमबी का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, जीएमबी में, ये एनएमबी है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे का जीएमबी में। तो सर जीएमबी में कन्वर्ट करने का 2 रूल है, मेट्रो सिटी और, तो सर क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कहाँ है, अगर लिख देता कोलकाता में है तो सर अभी फॉर्मूला यूज करते, तो नहीं बोला तो जो एनएमबी होगा वही जीएमबी, एक तरह से जो ये 40,000 एनएमबी है ये हमारा जीएमबी है, और हाउस 2 का भी जो 29,000 है ये भी हमारा का जीएमबी है, क्लियर है। तो सर एक तरह से ये जो म्यूनसिपल वैल्यू दिया है ये हमारा जीएमबी है, और ये फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड है, सर इन तीनों को लेकर आपस में कंपेयर करेंगे तो सर कहा आ जाएगा आर ई आर आ जाएगा, क्लियर है। अब आर ई आर के साथ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 12 महीने के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ जो रेंट रिसीव दिया हुआ है 40-41 हज़ार दिया कि नहीं, रिसीव बताओ कितने महीने का है, रेंट रिसीव कितने महीने का दिया जल्दी बताओ, देखो रेंट रिसीव 41,000 दिया, कितना महीने का आप लोग बताइए जल्दी, रेंट रिसीव कितने महीने का दिया हुआ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए रेंट रिसीव कितने महीने का दिया हुआ है। राहुल बोला 12 महीने का, शंकर बोला 12 महीने का, राहुल वर्मा बोला 12 मंथ्स का होगा क्योंकि यहाँ वैकेंसी पीरियड बोला नहीं है। बिल्कुल सही राहुल, बिल्कुल सही, अच्छा एक्सप्लेन कियो, और बाकी लोग भी समझ सर 12 महीने का होगा क्योंकि कहीं भी नहीं बोला वैकेंसी पीरियड रेंट है इसका नहीं है, तो 12 महीने का रिसीव किया होगा, तो सर ये 12 महीने का और ये 12 महीने का है, तो कोई टेंशन नहीं आराम से 12 महीने का ले लेंगे। तो सर ये AR हुआ हुआ या RER, इन दोनों में कंपेयर करें तो सर कहाँ निकल आएगा गैप, है ना, होता है RER के साथ ARR का गैप, हमने एक्चुअल एंड रिसीवेबल का अगर जो हम लोग कंपेयर करते हैं उससे क्या निकल आता गैप, और गैप से म्यूनसिपल टैक्स लेस करेंगे तो नैप आ जाएगा, तो दोनों का नैप निकालने बोला, क्या निकालने बोला, नेट एनुअल वैल्यू। सेम क्वेश्चन इसी तरह का हम लोग 2015 में शायद किए थे, है ना, 15 या 16 में ईयर में आ चुका है इससे पहले, शायद मेरे हिसाब से 15 में किए थे, क्लियर हो रहा, इसका ईयर का क्वेश्चन 3-4 बार अच्छे से बना लो रिपीट होगा, खाली अमाउंट चेंज होगा। सर क्या करेंगे, चालू करेंगे गैप ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू से, क्या लिखेंगे, वी एज्यूम दैट 2 हाउसेस आर सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सिटी, देयरफॉर जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। सर ये लैंग्वेज लिखने से क्या हो गया, हम टीचर को भी बोलने वाले जो 40,000 हमारे लिए जीएमबी है, उसका सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, रिजर्वल स्पेक्ट्रेंट, पहले इतना करते हैं। चलिए सर आते हैं, और ये हमारा वर्किंग नोट नहीं है, 1-2-3 करके करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग को नैप निकालना है, तो नंबर वन लिखेंगे क्या क्वेश्चन में, देखो ये म्यूनसिपल वैल्यू था, इसको हम लोग जीएमवी में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वी एज्यूम दैट टू हाउसेस आर सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सिटी, देयरफॉर जीएमवी इक्वल टू एनएमवी। अब हम लोग करेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, तो हेडिंग देंगे क्या कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, फिर लिखते हैं फेयर रेंट, फिर लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट। सर क्या करते हैं, पहला दो में हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, पहला दो में क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर उसके साथ क्या करते हैं स्टैंडर्ड रेट का कंपेयर करते हैं। तो सर पहला दोनों में मैक्सिमम, फिर जो निकला मिनिमम निकाल के इससे जो आता है आंसर उसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर यहाँ कितने घर का निकालेंगे, दो घर का, तो सर दोनों घर का हाउस वन एंड हाउस टू करके सिखाए थे। चलते हैं सबसे पहले हाउस वन का जीएमबी देखेंगे और हाउस टू का जीएमबी देखेंगे। तो आते हैं सर जीएमबी कितना हुआ 40,000 29,000। फिर बोले सर कहाँ लिखा जीएमबी, तो हम तो बोले ही है मान चुके हम लोग, तो सर ये 40,000 29,000। तो क्या करेंगे सर, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू हाउस वन का ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू कितना था 40,000 और हाउस टू का कितना था सर 29,000। अब क्या बैठाएंगे सर, अब बैठाएंगे फेयर रेंट। तो चलते दोनों हाउस का फेयर रेंट कितना, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है सर, क्वेश्चन आ चुका फेयर रेंट कितना दिया हाउस वन का 45,000 और हाउस टू का कितना दिया 39,000, 45,000 और 39,000। तो सर यहाँ आएंगे फेयर रेंट यहाँ कितना बैठाएंगे 45,000, यहाँ कितना बैठाएंगे 39,000। सर फिर अब क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं तो नील लिखेंगे। सर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आते देखो दिया हुआ स्टैंडर्ड रेंट 37,000 and 41,000 दिया, आराम से बैठा देंगे। तो यहाँ सर आएंगे स्टैंडर्ड रेंट 37,000 और यहाँ कितना बैठाएंगे 41,000। अब कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे इन दोनों में मैक्सिमम बड़ा, सर दोनों में बड़ा कौन है 45,000, इन दोनों में बड़ा कौन है, फिर 45,000 के साथ 37,000 का कंपेयर करेंगे, इन दोनों में छोटा लेंगे मिनिमम, तो इन दोनों में छोटा कौन है 37,000, इसलिए हाउस वन का जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगा 37,000 होगा। क्लियर है, फिर आके सर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, से इन दोनों में बड़ा कौन है 39,000 है ना। अब इसके साथ क्या सर, इसमें कंपेयर करेंगे मिनिमम लेंगे छोटा, से 39,000 41,000 छोटा कौन है 39,000, इसलिए दूसरे हाउस का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा 39,000। समझ में आया सर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल चुका, किसी को डाउट कोई प्रॉब्लम एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़े। सर शंकर बोला सर क्लियर, तो अब क्या निकालेंगे सर, हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद अब हम लोग निकालते क्या कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो चलते नेक्स्ट पेज में सर, यहाँ कोई नहीं जगह नहीं तो नेक्स्ट पेज में कराते हैं। तो क्या करेंगे सर, वहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखे तो उसमें रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे, तो ऑलरेडी निकाल चुका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, हाउस वन का कितना निकला 37,000, कितना 37,000, हाउस टू का कितना निकला 39,000, कितना 39,000, सर 37,000 और 39,000 नेक्स्ट बताएंगे। चलते हैं तो सर हेडिंग क्या देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मैक्सिमम द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा का लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल, सर रेंट रिसीवेबल और रेंट रिसीवेबल हमेशा 12 महीने का होता है और इस क्वेश्चन में 12 महीने का दिया हुआ आप लोग बोले। अच्छा सर लेस करते वैकेंसी पीरियड रेंट जो नहीं है तो नहीं लिखेंगे ना, तो सर इन दोनों को कंपेयर करके जो निकलेगा उसी को बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। भाई वैकेंसी पीरियड रेंट है तब ना करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। तो चलते हैं हाउस वन एंड हाउस टू, सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इससे पहले निकाल चुके थे, हाउस वन का कितना निकला हुआ था 37,000, सर हाउस टू का कितना निकाले थे 39,000 37,000 और ये सर अभी निकाल चुके थे। और सर रेंट रिसीवेबल 12 महीने का रेंट रिसीवेबल कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। चलते क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है
तो देखो यहाँ दिया हुआ रेंट रिसीव कितना 41,000 बारह महीने का, और ये का 35,000 सेकेंड हाउस का बारह महीने का, तो सर आराम से पुट कर देंगे। तो आते हैं तो रेंट रिसीवल यहाँ कितना बैठा देंगे 41,000, यहाँ कितना बैठा देंगे 35,000, बस और तो कुछ है नहीं। तो इन दोनों में क्या लेते हैं मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, है ना, यहाँ क्या लेते बताओ मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो सर इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 41,000 है ना, मैक्सिमम 41,000 है, तो हमारा ग्रॉस अनेबल 41,000 होगा। फिर देखिए सर इन दोनों में बड़ा कौन है, तो सर इन दोनों में बड़ा कौन है 39,000, सर 39,000 लेंगे, बस सर गैप आ चुका। अब हम लोग गैप से सर म्यूनसिपल टैक्स लेस करते तो नैब होता है, हम लोग को दोनों घर का नैब भी पूछा है, तो सर दोनों घर का पूछा तो ऐसे कॉमन बनाएंगे, याद है कॉलम किए थे ऊपर में लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ श्री रवि रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर या 2029 तो हम लोग करेंट ईयर का लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ सर 2022 to 2023 हम लोग करेंट ईयर का लिखेंगे, समझ में आ रहा। तो सर यहाँ पार्टिकुलर्स अब यहाँ लिखेंगे हाउस वन एंड हाउस टू, सर चालू क्या करेंगे लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर एच वन का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकाल चुके 41,000 यहाँ पुट करेंगे, अच्छा पहले फॉर्मेट बना ले रहे, लेस क्या करेंगे म्यूनसिपल टैक्स, और म्यूनसिपल टैक्स लेस करने से जो आता है उसको क्या बोलते हैं नेट एनुअल, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सर फॉर्मेट बन चुका है और दोनों घर का निकल चुका, खाली पुट करना है, चलिए पुट करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एच वन का कितना निकला 41,000, क्लियर। सर एच टू का कितना निकला 39,000, सर इसमें से क्या लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स, सर म्यूनसिपल टैक्स क्वेश्चन में गिवन होता है तो चल के देखो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन में गिवन कितना दिया हुआ बताओ, सर क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्स, और सर कुछ नहीं बोला तो ओनर पे किया, अगर अभी लिख देता है टेनेंट पे किया तो लेस नहीं होता, ओनर जो पे करे वही लेगा, इसलिए हम लोग बोलते थे म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर ही लिखो, तुम लोग को याद रहेगा। सर हाउस वन का 3,000, हाउस टू का 2,500, सर लेस करते हैं तो म्यूनसिपल टैक्स 3,000 और यहाँ कितना 2,500, बस लेस कर देंगे तो 41,000 से 3,000 को माइनस करें तो कितना आएगा, सर आएगा 38,000 और ये 39,000 से 2,500 को माइनस करें तो आएगा 36,500 जो आपका नेट निकल चुका। तो सर इस क्वेश्चन में आपको बोला दोनों घर का कहाँ निकालने नेट एनुअल वैल्यू जो निकाल चुके, कंप्लीट। देख लो कोई डाउट, तो सर 2017 का कंप्लीट हो चुका, अगर कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी, नहीं तो यस लिखिए जल्दी, कोई डाउट है तो बोलिए नहीं तो जल्दी यस लिखिए आप लोग। चलिए राहुल वर्मा बोला सर यस सर, राहुल वर्मा बोला एक डाउट भी है, क्या बोलो राहुल क्या डाउट है बताइए जल्दी टाइप करिए। अच्छा राहुल बोल रहा कि सर कभी किसी क्वेश्चन में लेट और सेल्फ ऑक्यूपाइड ना बोले तो क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं करना है, दोनों घर को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, बट ऐसा क्वेश्चन आपका दसवां अंक में नहीं आएगा, लिखा रहेगा लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर कुछ ना बोले अगर दो ही घर हो तो हम लोग उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, सर तीन घर हो तो दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और तीसरा घर को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। सर ये सब शुरू में पढ़ाए हुए बट आप लोगों का आएगा नहीं आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि सरकार दो घर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया सर पढ़ाए, और तीसरा घर को अगर नहीं बोलता है तभी मानने में सरकार की तुम उसको भाड़े में लगाए हो, और उसको हम लोग का वर्ड यूज करते हैं डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। और बोले क्या डाउट है, और क्या डाउट है जल्दी बताइए। चलिए शंकर क्लियर और राहुल वर्मा क्लियर, तो सर आज हम लोग 2017 का भी कंप्लीट कर चुके, नेक्स्ट क्लास में 2018 का करेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है 15, 16, 17 थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार बना लीजिएगा, और इवेंट
आप लोग 2018 या 2019 का भी ट्राई करिएगा अपने से, और नेक्स्ट क्लास में आके मैच करवाइएगा आपका सही बनाइए या गलत। खुद से बनाओ आपको सम्स, सर हम 17 तक 3 साल का तो बना ही चुके हैं, 18 भी बनाएंगे, पर खुद से बना के रखोगे ना तो हमारा साथ का टैली कराने में इजी होगा कि हम सही बनाए या गलत। अगर पूरा टैली हो गया तो समझा तुमको समझ में आ रहा, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग 18 और 19 का बना के आओगे, ठीक है। कितना 18 और 19 का ट्राई करना अपने से, और हमारे साथ पूरा आंसर टैली किया तो आपका सही है, ओके। तो चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।